नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक और ट्विटर के बाद अब यूट्यूब ने कोविड 19 वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारी देने वाली वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्णय लिया है। कंपनी का कहना है कि इन वीडियो में वैक्सीन से जुड़ी गलत जानकारी दी जा रही थी। आगामी उपचुनाव को लेकर जदयू ने दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए हैं। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में राजद और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर तलवार खिंच गई है, जहां राजद दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जिसके बाद अब केंद्रीय कांग्रेस इस समस्या को हल करने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी गठित कर रही है। राष्ट्रीय एयरलाइन एयर इंडिया के निजीकरण की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। केंद्र सरकार ने एयर इंडिया के अधिग्रहण के लिए टाटा समूह और स्पाइसजेट के संस्थापक द्वारा जमा कराई गई वित्तीय बोलियों का मूल्यांकन शुरू कर दिया है। सरकार सौदे को जल्दी पूरा करने के इच्छुक है। सरकार 15 अक्टूबर तक विजयी बोलीदाता की घोषणा भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा और समर्पण अभियान कार्यक्रम पटना में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम और भाजपा के सांसद सुशील कुमार मोदी समेत कई नेता शामिल हुए। पीएम के जन्मदिन के पखवाड़े के अवसर पर पटना के स्ट्रीट वेंडरों को भाजपा की तरफ से सम्मानित किया गया। स्ट्रीट वेंडर लोन योजना के तहत जिन्हें 10,000 रुपये मिले, उन्हें आज मंच पर सम्मानित किया गया। दिल्ली सरकार ने छठ पूजा को सार्वजनिक स्थानों पर मनाने की रोक लगा दी है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि छठ पूजा किसी भी पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक मैदान, नदियों के किनारे, मंदिर इत्यादि जगहों पर नहीं मना सकते हैं। लगभग एक साल से दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसानों को हटाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने कानून बना दिया है और अब ये कार्यपालिका को लागू करना है। अदालत ने कहा है कि उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि विरोध केवल निर्दिष्ट स्थलों पर ही किया जा सकता है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन ने विभिन्न पदों पर भर्ती निकाली है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर फैकल्टी रिसर्च, एसोसिएट रिसर्च, एसोसिएट हिंदी ऑफिसर, आईटी इंजीनियर्स, डाटा सेंटर्स, आईटी डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स एंड टेस्टर्स के पद शामिल है। पंजाब कांग्रेस में मची खींचतान के बीच पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा है कि अब बहुत हो गया है, सीएम की सत्ता को कमजोर करने की कोशिशों पर विराम लगाएं। उन्होंने सिद्धू की नाराजगी को लेकर भी कहा कि एजी और डीजीपी के चयन पर लगाए जा रहे आरोप वास्तव में उनकी ईमानदारी क्षमताओं पर सवाल उठा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि भारत बायोटेक के कोविड 19 रोधी टीके कोवैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी देने के लिए सूचीबद्ध किए जाने के कंपनी के आग्रह पर फैसला अक्टूबर में किया जाएगा। कोवैक्सीन के आकलन की प्रक्रिया जारी है। भारत बायोटेक ने अपने टीके के लिए 19 अप्रैल को रुचि प्रस्ताव यानी कि EOI भेजा था। देश के 4 हाईकोर्ट बंबई, गुजरात, ओडिशा और पंजाब, हरियाणा में प्रमोट करके 16 जजों की नियुक्ति की जा सकती है। भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इन नामों की सिफारिश की है। मीडिया की खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने बुधवार को आयोजित बैठक में हाईकोर्ट के इन 16 नामों पर अपनी मुहर लगाई है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से दिवंगत फूलन देवी की संपत्ति के संबंध में जांच के लिए आदेश देने का आग्रह किया है, ताकि फूलन देवी की संपत्ति उनकी मां को मिल सके। फूलन की संपत्ति को कथित रूप से उनके कुछ दूर के रिश्तेदार ने हड़प लिया है। जालौन में फूलन की माँ, उनका परिवार दयनीय स्थिति में रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी स्पेशल FD स्कीम 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दी है। यह FD स्कीम खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए है। 2020 में SBI ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए SBI वी केयर सीनियर सिटीजन नामक एक विशेष सावधि जमा योजना शुरू की थी। इस योजना को 12 मई 2020 से निवेश के लिए उपलब्ध कराया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में न केवल 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देगी, बल्कि राज्य में स्वास्थ्य की बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए एक बड़ी योजना भी तैयार करेगी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले राज्य में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप सुप्रीमो ने बताया कि अगर उनकी पार्टी दिल्ली में किए गए वादों को पूरा कर सकती है तो वो पंजाब के लोगों के लिए भी कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यानी गुरुवार को राजस्थान के जयपुर स्थित पेट्रो सायन प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया और राज्य के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिले में 4 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की आधारशिला भी रखी। इस मौके पर पीएम मोदी ने एक संबोधन दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को धन्यवाद दिया, जिसके बाद पीएम मोदी की बातों को सुनकर अशोक गहलोत भी मुस्कुराने लगे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से पूछा कि वो राष्ट्रीय राजधानी में 3 कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों द्वारा सड़क की नाकेबंदी को हटाने के लिए क्या कर रही है। शीर्ष अदालत ने एक बार फिर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए सड़कों को हमेशा के लिए कब्जा नहीं किया जा सकता, जैसी बातें कही है।
सैमी को कभी सिंगर आशा भोसले का मजाक उड़ाते देखा जाता है तो कभी वो फारा खान की आवाज निकालकर फैंस को चौंका देती है। वहीं अब जैमी दोबारा सोनम कपूर का मजाक उड़ाकर लाइमलाइट में छा गई है। जैमी लेबर की मिमिक्री के लाखों दीवाने हैं जो उनके घर एक पोस्ट का बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने सोनम कपूर का मजाक उड़ाते हुए वीडियो पोस्ट किया था जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली में बारिश नहीं होने की भविष्यवाणी की है। हालांकि देश के कई हिस्सों में व्यापक बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की माने तो दिन के लिए आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया गया है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास राजधानी दिल्ली में रहने की संभावना है। पंजाब कांग्रेस में जारी उथल पुथल, आलाकमान के खिलाफ जीत 23 के आलाकमान ने एक बार फिर से कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई छेड़ दी है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कपिल सिब्बल ने शीर्ष कमान पर कई सवाल उठाए हैं। जीत 23 में शामिल कुछ नेताओं ने भी सिब्बल का साथ दिया है। पंजाब कांग्रेस में चल रही खींचतान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तंज कसा है। केजरीवाल ने जनता से कहा कि जहां मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक खोलने जैसे वादे किए तो वहीं राज्य में जारी कांग्रेस सरकार के घमासान पर सरकार का मजाक बनाने का आरोप लगाया। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ में भी अचानक हाईकमान नेतृत्व परिवर्तन ना कर दे, इसको लेकर हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने कांग्रेस के करीब 15 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं। जो विधायक दिल्ली गए हैं वो सभी सीएम भूपेश बघेल के करीबी माने जाते हैं। बृहस्पतिवार को एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए सभी विधायक दिल्ली प्रभारी पीएल पुनिया से मिलेंगे और उसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात करने की बातें भी कही गई। पंजाब कांग्रेस में उठा पटक थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले कुछ दिनों पहले ही सीएम अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस की राह पंजाब चुनाव के ठीक पहले उथल पुथल भरी लग रही है। नवजोत सिंह सिद्धू ने जब से अपना इस्तीफा दिया है तब से दिल्ली हाईकमान से लेकर पंजाब के कांग्रेस के नेता तक सभी उन्हें मनाने में लगातार जुटे हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से जारी अटकलों पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दे दिया है। कैप्टन ने एक बार फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं क्योंकि उनसे इतना अपमान सहा नहीं जा रहा है। पिछले कई दिनों से पंजाब में सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में चल रही उथल पुथल के बाद पार्टी का संकट और गहराता जा रहा है। कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद जैसे कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने गांधी परिवार के नेतृत्व को खुलेआम चुनौती दे दी है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को मंजूरी देने को लेकर WHO के फैसले का इंतजार जारी है। ऐसे में भारत बायोटेक को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बहुप्रतीक्षित इमरजेंसी UG ऑथराइजेशन के लिए मंजूरी का इंतजार है। हालांकि अब ऐसा लग रहा है कि WHO द्वारा कोवैक्सीन को फाइनल अक्टूबर महीने में मंजूरी मिल सकती है। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन इन दिनों बैक टू बैक कई फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त है। इस बीच कार्तिक ने हाल ही में अपनी अगली फिल्म फ्रेडी की शूटिंग पूरी कर ली है जिसकी शूटिंग पिछले काफी समय से चल रही थी। कार्तिक ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए बताया कि उन्होंने फ्रेडी की शूटिंग पूरी कर ली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक हुई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूलों में पीएम पोषण योजना के रोल आउट को मंजूरी दे दी है जो सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल में प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को गर्म पका हुआ भोजन प्रदान करेगी। आपको बता दें कि पीएम पोषण योजना केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जाएगी। हीरापन्ना इंफ्रा प्रोजेक्ट कंपनी ने तो रेरा को ही झांसा दे दिया। इस कंपनी ने जिस जमीन पर अपार्टमेंट निर्माण का निबंधन लिया उस पर पहले से ही दूसरी कंपनी का अनुबंध था। वो कंपनी उस जमीन पर फ्लैट देने के नाम पर कई ग्राहकों से करोड़ों रुपए ले चुकी है। रेरा ने हीरापन्ना पर तथ्य छुपाने के आरोप में द क्राउन के फ्लैट या अपार्टमेंट की बिक्री और अनुबंध पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बुधवार को सीएम नीतीश कुमार को भेजे गए पत्र को लेकर अब राजनीति शुरू हो गई है। जहां एक दिन पहले मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने तेजस्वी का कोई भी पत्र नहीं मिलने की बात कही थी, ऐसे में अब तेजस्वी ने सीएम नीतीश को झूठा साबित कर दिया है। तेजस्वी यादव ने भेजे गए पत्र की एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। फिलहाल धर्मेंद्र कुमार सिंह का शव उनके पैतृक गांव रोहतास के विक्रमगंज के मैधारा में पहुंचा था जहां ग्रामीणों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इससे पहले उन्हें वहां उपस्थित अन्य जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर का सम्मान दिया। बता दें कि जवान धर्मेंद्र कुमार सिंह की जान 27 सितंबर को जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर जाने के दौरान सड़क हादसे में गई थी। भारत में गुरुवार यानी कि 30 सितंबर 2021 को पिछले 24 घंटे में नए कोविड-19 केसों में 24.7% की बढ़ोतरी हुई है। आज सुबह के स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक आज 23,000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे में 311 लोगों की जान चली गई है।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है पवन कुमार, मंतोष कुमार, ज्ञान स्टडीज, प्रवीण कुमार, छोटू कुमार यादव, बादल कुमार यादव, प्रीति कुमारी, राजेश सोंथियाल, जितेंद्र ठाकुर, अजीत कुमार, विकास कुमार, शमसी आलम, अरुण यादव, रघुनाथ प्रसाद, प्रवीण कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बेहतरीन फिल्म आपको कौन सी लगी है? अपने जवाब में कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।